Good morning, students. Good morning, everyone. This is Dr. Anurag Singh. I welcome you on board to the present session of Daily Current Affairs Express on India's largest online learning platform, that is Unacademy. Unacademy के YouTube channel, Let's Crack UPSC CSE में आप सभी लोगों का स्वागत है. आज के session में we are going to see some crucial relevant current affairs from the point of view of UPSC and other state service examinations. So before proceeding ahead, let me know, students, if I am audible and visible so that we may proceed ahead in today's session. This is Dr. Anurag, a passionate UPSC mentor and expert in the field for the past one decade in offline mentoring, past 1.5 years in online mentoring upon Unacademy. In UPSC, I have appeared twice for the personality test in my 4 attempts and 4 mains. I have also worked as assistant commissioner of sales taxes in Uttar Pradesh State Services for 3 years, after which I resigned to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. A Telegram channel, Unacademy _ Anurag Singh, जुड़ जाइएगा इस session के free PDF and further updates के लिए. और मैं एडवाइस करूंगा, गो फॉर टेकिंग द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. द प्लस आइकनिक एंड द अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन आर अवेलेबल. अनअकैडमी लाइट इज ऑफ जीएस एंड सीसेट टेस्ट सीरीज. यूज कोड अनुराग टू टेक इट एट मैक्सिमम डिस्काउंट प्राइसेस. एंड अनअकैडमी प्लस एंड आइकनिक सब्सक्रिप्शन ईस्टर स्पेशल ऑफर इज गोइंग ऑन. यू कैन सी इट हियर. 12, 18, 24 एंड 36 मंथ्स ऑफर. इसमें फ्री एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ड्यूरेशन फ्री यू आर गोइंग टू गेट इन द सेम अमाउंट. और साथ में 10% ऑफ. यूज कोड अनुराग टू गेट ऑल दीज ऑफर्स इन योर सब्सक्रिप्शन बॉक्स. एंड द लास्ट माइल अ फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर दिस ईयर्स इंटरव्यू क्वालिफाइड द मेन्स. फ्री गाइडेंस है यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज का. एंड आइकनिक सब्सक्रिप्शन क्या फायदे आप देख सकते हैं. स्टूडेंट्स पर्सनल कोचिंग, 1:1 लाइव मेंटरशिप, मेन्स क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लेनर एंड ओपन हाउस विद एजुकेटर्स. यू कैन सी द प्लान्स ऑफ प्लस 1, 2, 3 ईयर एंड आइकनिक 1, 2, 3 ईयर. यूज कोड अनुराग टू गेट 10% ऑफ मिनिमम ऑन दीज सब्सक्रिप्शन एंड ऑल्सो गेट 20 बुक्स मेल टू यू अपॉन योर होम एड्रेस एंड ऑल्सो सर्टन अदर बेनिफिट्स आउट हियर. एंड ये देखिए, लोन्स आर अवेलेबल एट 0% इंटरेस्ट रेट फॉर द सब्सक्रिप्शन. द न्यू बैचेस एवरी वेडनेसडे दे कम अप. एंड दिस इज माई प्रोफाइल लिंक अपन अनअकैडमी अनुराग IMS. सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए. तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ चलते हैं आगे आज के सेशन की तरफ. 18 अप्रैल है आज. एंड हर न्यूज एवरी न्यूज वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम डी कोड इंटरलिंक अप्रोच एज वेल एज 360 डिग्री अप्रोच. डी कोड इंटरलिंक अप्रोच इज फॉर द मेन्स. डिकोड करना है न्यूज को, इंटरलिंक करना है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ जीएस सिलेबस, जिससे कि वैल्यू एडिशन हो सके, आंसर राइटिंग में 10-20 वर्ड्स निकाल सके अब न्यूज से, ठीक है. एंड 360 डिग्री अप्रोच इज फॉर द प्रीलिम्स. ये देखिए, अ होलिस्टिक कवरेज ऑफ एवरी करंट अफेयर्स, जिससे कि बैकग्राउंड से जहां से सवाल आ रहे हैं इनडायरेक्टली प्रीलिम्स में आप कवर कर सकिए. तो चलिए टेक आउट द एटलस स्टूडेंट्स. एटलस इज वेरी वेरी एसेंशियल हियर. टेक आउट जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 मेन सिलेबस. टेक आउट न्यूज नोटबुक. टेक आउट 3-4 कलर्ड पेंस. एंड चलिए बढ़ चलते हैं आज के सेशन की तरफ. आज पहले 17 अप्रैल का न्यूज़ देख लिया जाए एक बार और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. 17 अप्रैल कल न्यूज़ मैंने कल का PDF अभी पोस्ट किया है. रियली सॉरी फॉर द डिलेज, ठीक है, आप देख लीजिएगा. सो यस्टरडे वी सॉ मिलेट्स एंड आयरन डेफिशिएंसी. एक मिलेट्स की वैरायटी जिसमें जिसको ग्रो किया जा रहा है एंड विच इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट, विच इज़ गोइंग टू इंक्रीज द इनटेक ऑफ आयरन. आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं इसको. और इसके लिए फोर्टिफिकेशन चल रहा है, राइस फोर्टिफिकेशन. यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट. सो दिस आर्टिकल गोज समवट अगेंस्ट दिस स्ट्रेटजी. दिस आर्टिकल सेज दैट आयरन इनटेक इज नॉट अ प्रॉब्लम, आयरन अब्जॉर्प्शन इज अ प्रॉब्लम. क्योंकि कुछ कुछ हमारे प्रैक्टिसेस होते हैं लाइफ में जो आयरन अब्जॉर्प्शन प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है. एंड वन ऑफ देम इज द प्रेजेंस ऑफ पॉलीफेनॉल्स इन द टी. चाय पीते हैं कितने लोग खाना खाने के बाद, और उससे भी आयरन अब्जॉर्प्शन कम होता है, ठीक है. तो पॉलीफेनॉल्स का वहाँ पे प्रेजेंस. ऑल्सो वी ऑल्सो वेंट ऑन टू सी सम द प्रेजेंस ऑफ फाइटेट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है. फाइटेट्स इन द ग्रेन्स. फाइटेट्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन का अब्जॉर्प्शन विल बी लेस, ठीक है. ये देखिए फाइटेट्स, तो फाइटेट्स कम करना है सीरियल्स में, ग्रेन्स में, और इसीलिए मिलेट्स ग्रो किए जा रहे हैं. तो फाइटेट्स एंड पॉलीफेनॉल्स पढ़ लीजिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स.
नेक्स्ट हम लोगों ने देखा दैट इंडिया इज ऑब्जेक्ट्स इंडिया इज ऑब्जेक्टेड टू द मेथोडोलॉजी यूज बाई WHO असेसमेंट ऑफ कोविड डेथ टोल. ठीक है, तो WHO का जो असेसमेंट टोल है, ठीक है, इट्स बेस्ड अपॉन क्लाइमेट एंड ऑल अदर पैरामीटर्स, इंडिया इज ऑब्जेक्टेड टूवर्ड्स इट. ये देखिए कुछ ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव हो गया है वो डेथ टोल कैलकुलेट करना, कुछ ज़्यादा ही डेटा ड्रिवन हो गया है, ये दिक्कत की बात है. ठीक है, नेक्स्ट ट्यूनीजिया के आसपास एक शिप सिंक कर गई कल, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे. ट्यूनीजिया इज अ कंट्री ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका ऑन मेडिटेरेनियन सी. ट्यूनिस इज द कैपिटल. यहीं से जैस्मिन रेवोल्यूशन द अरब स्प्रिंग बिगैन इन 2010 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आपने देखा होगा, पढ़ा होगा. तो कल शिप सैंक इन दैट मेडिटेरेनियन सी एंड इट इज जस्ट गोइंग टू इंक्रीज द पॉल्यूशन, क्योंकि द शिप वॉज इट वॉज अ फ्यूअल शिप. तो मराइन पॉल्यूशन का एग्जाम्पल एक स्टडी है, देख लीजिएगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने देखा, ग्रीन परमिट्स का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया, 10 की जगह 13 साल, 10 की जगह 15 साल, ठीक है, फॉर सर्टन प्रोजेक्ट्स. ऑल बिकॉज देखिए अब ये प्रोजेक्ट्स का टेन्योर जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिस द प्रोजेक्ट्स गेट फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स एंड द अदर कंपनीज, दे गेट इट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो इसका 10 साल का ड्यूरेशन रहता है, ठीक है, एवरी 10 ईयर्स यू हैव टू रिन्यू द सर्टिफिकेट. अब ये 13 साल का हो गया है, कुछ केसेस में 15 साल का हो गया है, ठीक है. सो द कंपनीज विल फाइंड इट इजियर टू प्रोसीड विद देयर दिस प्रोजेक्ट्स विदाउट वरिंग फॉर द एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस. तो ड्यूरेशन बढ़ गया है इसका, ठीक है, वैलिडिटी बढ़ गई है. और वहीं पे एक और प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है दैट द कंपनीज माइट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट. ठीक है, ये देख लीजिएगा. नेक्स्ट डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि उसको रिवाइव किया जा रहा है. डेजर्ट नेशनल पार्क बाड़मेर जैसलमेर में है. ग्रेट इंडियन बस्टार्ड वहाँ रहता है. चीता वहाँ जाने वाला था, जा नहीं पाया, ठीक है. चीता जो नामीबिया से आ रहा है, इट विल बी केप्ट इन कुनो पालपुर सेंचुरी इन दिस मध्य प्रदेश मुरैना, सपोज मुरैना या कहाँ पे देख लीजिएगा, कुनो पालपुर, ठीक है. सो दैट डेजर्ट नेशनल पार्क का लोकेशन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. वहाँ का वेजिटेशन भी इंपॉर्टेंट है. ट्रॉपिकल श्रब, ट्रॉपिकल थॉर्न वेजिटेशन है, थॉर्नी वेजिटेशन, अकेशिया बबूल का पेड़, ठीक है, कैक्टस, ऑल दिस आर फाउंड. एंड एनिमल्स विच आर फाउंड आउट हियर आर कैमल, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में स्नेक्स, दिस लिजर्ड, यस, सांप खूब पाए जाते हैं डेजर्ट्स में, ठीक है. नेक्स्ट तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क प्रीलिम्स के लिए आ सकता है, आ गया है पहले, ठीक है, इनफैक्ट 2020 में सवाल पूछा गया था. नेक्स्ट सिक्स नंबर पॉइंट, चाइल्ड लाइन 1098 मे बी मर्ज विद एमरजेंसी हेल्प लाइन 112. 1098 को मर्ज किया जाएगा 112 के साथ में, ये न्यूज़ है. इसका मतलब है दैट अ कॉमन हेल्प लाइन, द एन जी ओज एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आर वरीड अबाउट इट बिकॉज 50 लाख दिस फोन्स आए थे 1098 पे लास्ट ईयर. वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्पलाइंस इन द वर्ल्ड 1098. तो चिल्ड्रन एज अ वल्नरेबल सेक्शन दे नीड अ डिस्टिंक्ट हेल्पलाइन सर्विस. डू यू एग्री, टेल मी द चैट बॉक्स. दे नीड अ डिस्टिंक्ट हेल्पलाइन सर्विस, अलग चाहिए भाई उनके लिए. 50 लाख जहाँ पे आ रहे कॉल्स एनुअली, बहुत बड़ा नंबर है, 1,10,000, 5,000 या इतने कॉल्स नहीं आ रहे, 50 लाख कॉल्स आ रहे हैं. दे नीड अ डिस्टिंक्ट हेल्पलाइन, इसीलिए द सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एंड द एन जी ओज हैव गॉन टू द मिनिस्ट्रीज टू रिक्वेस्ट फॉर द सेम. नेक्स्ट कल हम लोगों ने देखा, इसके अलावा स्टूडेंट्स एक न्यूज आया साइंस एंड टेक का, ये देखिए ग्राफीन को लेकर. ग्राफीन से बनाया गया कल, ग्राफीन से एक कल नया मटेरियल बनाया गया, ध्यान दीजिएगा, बाईलेयर ग्राफीन से. एंड दैट मटेरियल कैन एक्ट एज अ इंसुलेटर, एज अ सुपर कंडक्टर, एज अ कंडक्टर, ऑल ऑफ देम, बिकॉज उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस वेरी कर रहा है इन वेरियस पार्ट्स. ये बाईलेयर ग्राफीन क्या होता है, दो लेयर ग्राफीन का ट्विस्टेड एट अ पर्टिकुलर एंगल. ऑल्सो टंगस्टन डाई सेलेनाइड वॉज एडेड. टंगस्टन डाई सेलेनाइड सुनाया आपने कल, टेल मी स्टूडेंट्स, ये देखिए डाई सेलेनाइड, ये देखिए स्टूडेंट्स. और फिर कहा गया दैट इससे जो दिस बिकॉज ऑफ दिस टंगस्टन डाई सेलेनाइड एंड बाईलेयर ग्राफीन ट्विस्टेड एट अ स्पेसिफिक एंगल, दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंज लाइक पैटर्न्स कॉल्ड एज मोयर पैटर्न्स. मोयर पैटर्न्स मैंने कल बताया था, जैसे कपड़े के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, कपड़े
कपड़ा अगर आप फोल्ड कर रहे होते हैं तो जैसे कि वेव्स की तरह बनता है, वैसा यहाँ पे मोयर पैटर्न्स, वेव पैटर्न्स आर फॉर्म्ड, एंड इसी को नाम दिया गया दिस, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, दिस यस। तो दिस वाज बिकॉज ऑफ दिस द न्यू मटेरियल व्हिच इज फॉर्म्ड कैन एक्ट एज अ कंडक्टर, एज अ सुपर कंडक्टर एंड एज अ इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स। तो यही न्यूज था साइंस एंड टेक का, ठीक है, वेव लाइक पैटर्न्स पे। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, FDA ऑथराइजेस द फर्स्ट ब्रीथ टेस्ट फॉर COVID-19, US का न्यूज है, ठीक है, कोई खास न्यूज नहीं है। ये साइंस एंड टेक का, ये टंगस्टन डाइसेलेनाइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यस, चार्ज डेंसिटी वेव पैटर्न्स, यस यस, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, हम लोगों ने छोटे छोटे न्यूज स्नाइपेट्स पढ़े, उसमें पढ़ा हम लोगों ने लीच के बारे में, रोल ऑफ क्लाइमेट के बारे में, थर्मल बैटरीज के बारे में एंड फिश कम्युनिकेशन के बारे में। थर्मल बैटरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आप देख लीजिएगा कल, एंड फिर वीट एक्सपोर्ट्स हम लोगों ने एंड किया था सेशन। चलिए बढ़ चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज पहला न्यूज़ ये रहा आपके स्क्रीन पर, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी से। आइए देखते हैं पहला न्यूज़, रिटायरमेंट स्प्री इन सुप्रीम कोर्ट में अफेक्ट एफर्ट्स टू स्केल डाउन पेंडेंसी। रिटायरमेंट का ज़माना है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को रिटायर करते जाना है, ठीक है। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट में, और अगस्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर कर रहे हैं। रिटायरमेंट्स इन द टॉप मोस्ट रंग ऑफ द जुडिशरी इन 2022 विल एनकंपास चेंजेस इन द पावरफुल सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एंड सी टू न्यू चीफ जस्टिसेस इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स। दो चीफ जस्टिस कुछ ही मंथ्स में चेंज हो जाएंगे। बट द रिटायरमेंट्स कम एट अ टाइम व्हेन द कोर्ट इज इन द प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग इटसेल्फ आफ्टर पर्टिकुलरली ब्रूटल वेव्स ऑफ द पैंडेमिक। Even as the virus refuses to leave for good, the court continues to grapple with pendency. क्या इससे pendency पर असर पड़ेगा, मुझे बताइए। Yes, बिल्कुल पड़ेगा। जब vacancies create होंगी, retirements इतनी ज़्यादा होंगी, तो court की hearing कौन करेगा, कोई नहीं, ठीक है। So, the Supreme Court's statistics show that 70,000 cases are pending with it as on April 1, 2022. Though over 19% of them are not ready to be placed before a bench for judicial hearing as they have not completed the required formalities. While 52,000 are admission matters, 18,000 are regular hearing cases. The number of constitution bench cases and connected matters total 422. ये देखिए, तो pendency of the courts में ये news attach कर दीजिएगा, reason क्या है pendency का। तो pendency के पीछे एक बड़ी वजह आज दिख गई हमें, अगर रिटायरमेंट होता है, कोलेजियम में कंपोजिशन में चेंजेस होते हैं, तो उसका भी असर पेंडेंसी पर पड़ता है, इट विल लीड टू इंक्रीज्ड पेंडेंसी। ये देखिए, इज इट क्लियर, टेल मी स्टूडेंट्स। तो लिखा हुआ, नॉर्मली नो न्यू अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द फाइनल मंथ्स ऑफ द इनकम्बेंट CJI's टेन्योर। जस्टिस रमन्ना सक्सेसर जस्टिस ललित हैज अ लिटिल ओवर 2 months एज टॉप जज। ये देखिए, अभी रिटायर करेंगे रमन्ना जी, उसके बाद 2 महीने जस्टिस ललित रहेंगे CJI, फिर दूसरे CJI बनेंगे। और जब 2-3 महीने रहता है रिटायरमेंट का, तो कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, यही दिक्कत की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये पहला न्यूज़। सेकंड न्यूज़, फंक्शनिंग ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। क्या ये न्यूज़ में बार बार आ रहा है, एजेंसी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट, सुना है आपने, PMLA 2002। यस, आइए देखते हैं, आज द हिंदू में पब्लिश हुआ है, क्या है इसके फंक्शंस, क्या है इसके रोल और क्या ये काम करता है, लेट्स सी, ठीक है। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज इन द न्यूज नाउ एंड ऑफन, इट गोज बैक टू May 1, 1956 में, ठीक है, व्हेन एन एनफोर्समेंट यूनिट वाज फॉर्म्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशंस अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट FERA। तो उस समय 1956 की बात है, ठीक है, उस समय भी मनी पार्किंग बाहर चलता था, ठीक है, आज तो बहुत कॉमन हो गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का रोल यही होता है, जो मनी पार्क्ड है बाहर, जो गलत तरीके से बाहर ले जाया गया है या गलत तरीके से कमाया गया है, और उसको दूसरे जगहों पे लेयरिंग के थ्रू दूसरे जगहों पे लगा दिया गया पैसा, उस पैसे को वापस लाना। The Enforcement Directorate today is a multi-dimensional organization investigating economic offences under Prevention of Money Laundering Act, Fugitive Economic Offenders Act and Foreign Exchange Management Act and Foreign Exchange Regulation Act. ये देखिए,
फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट में बता दूं, जैसे ही विजय माल्या पैसा लेके भागा यहां से, ठीक है, तो उसके बाद बोला गया ये तो बहुत दिक्कत की बात है, अभी कुछ सोच ही रहे तब तक नीरव मोदी पैसा लेकर भागा यहां से। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक का केस था, ठीक है, एंड उसके पहले विजय माल्या, द लोन्स वर टेकन एंड ही वेंट अवे। देन द गवर्नमेंट फेल्ट द नीड ऑफ ब्रिंगिंग इन अ न्यू एक्ट, फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, ठीक है, बिल, और उसी को फिर पास करके एक्ट में कन्वर्ट किया गया पार्लियामेंट में कि ये भगौड़े लोग हैं, ठीक है, 100 करोड़ के ऊपर अगर कोई पैसा इंडिया में चोरी कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है और भाग जा रहा है तो उसके पीछे ईडी पड़ जाएगा। ये देखिए, गेटिंग द पॉइंट, तो फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट यही था। विजय माल्या बिकेम द फर्स्ट इन फेमस पर्सनैलिटी बिकमिंग द फर्स्ट फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर फॉर इंडिया, यस, ठीक है। तो मैंने बस एग्जाम्पल दिया कि ये क्यों एक्ट लाया गया, दिस इज द न्यूएस्ट एक्ट अमंगस्ट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो वेयर डज द ईडी गेट इट्स पावर्स, ईडी का रोल क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई पर्सन, देखिए ये है इंडिविजुअल ए, ठीक है, इसने इंडिया में, ये देखिए इंडिया में, ठीक है, इंडिया के अंदर इसने फ्रॉड किया, मान लीजिए, ठीक है, ये देखिए फ्रॉड किया बैंक के साथ में, ठीक है, या कुछ कंपनीज के साथ में, ठीक है, एंड इसने पैसा ले लिया या इसने लूट लिया, ठीक है, मान लीजिए कोई बैंक, ये देखिए, एंड द पर्सन टुक द मनी, ठीक है, मनी इंडिया में है, मनी कैश में है, कैश में मनी है, अगर कैश में, ठीक है, तब तक ईडी का रोल नहीं आएगा। कैश में जब तक रहेगा तब तक पुलिस काम करेगी, ये पुलिस, पुलिस के हाथ में रहेगा केस ये। लेकिन जैसे ये पर्सन अगर चालाक निकला और इसने मनी लॉन्डरिंग शुरू कर दिया, व्हाट द मीनिंग ऑफ मनी लॉन्डरिंग, ध्यान दीजिएगा, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ दैट मनी, द ब्लैक मनी, द मनी अर्न फ्रॉम रॉन्ग मेथड्स, इंटीग्रेटिंग इट इनटू वाइट मनी, देखिए कन्वर्टिंग इट इनटू वाइट मनी। जैसे ही वो ये सब काम शुरू करेगा, सिर्फ बैंक के अंदर ले गया, मीन्स अपनी एक अलग से कंपनी बना दी, शेल कंपनी, कहीं पे रियल स्टेट जमीन खरीद लिया, कहीं सोना चांदी खरीद लिया, ठीक है, अलग अलग चीज़ें खरीद लिया और उस पैसे का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, ताकि उसके रूट से ट्रेसेस चले जाए उस पैसे के, उस पैसे को कोई पा ना सके, ऐसी जगह पे द रोल ऑफ ईडी कम्स अप। ये देखिए, गेटिंग इट स्टूडेंट्स, ईडी कम्स अप ओनली व्हेन द मनी इज यूटिलाइज्ड समवेयर, ठीक है, इफ इट इज इन द कैश पुलिस विल टेक दिस, क्या कहते हैं, पुलिस विल इन्वेस्टिगेट द केस, नथिंग एल्स। और जैसे ही मालूम चल जाता है कि ये पैसा कहीं लगा दिया गया है तो ईडी का रोल आता है, एंट्री करता है ईडी, ठीक है, सर्च करता है, टफ काम है, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं, फ्रॉम वेयर डज द ईडी गेट्स इट्स पावर्स, व्हेन द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रॉपर्टी और मनी आर जनरेटेड, द बेस्ट वे टू सेव दैट मनी इज बाई पार्किंग इट समवेयर, पार्क करना कहीं पे, सो वन इज नॉट एंसरेबल टू एनी वन इन द कंट्री, देयरफॉर देयर वॉज अ नीड टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट द लॉन्डरिंग ऑफ मनी। The PMLA was brought in for this exact reason in 2002, but was enacted only in 2005. Objective was to prevent parking of the money outside India and to trace out the layering and the trail of money. Trail of money खोजना है भाई, ये देखिए, ठीक है। So as per the Act, Prevention of Money Laundering Act 2002, the ED got its powers to investigate under Section 48 and Section 49. ये देखिए, तो कोई अगर सवाल आ सकता है, ईडी गेट्स इट्स पावर्स फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट 2002, यस, ट्रू स्टेटमेंट है, उसी एक्ट से दिया गया पावर इसको अब, ठीक है। इफ मनी हैज बीन लॉन्डर्ड अब्रॉड, द पीएमएलए कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर द एक्ट हैज द राइट टू सेंड अ लेटर ऑफ रोगेटरी अंडर सेक्शन 105 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द सेट गवर्नमेंट कैन देन शेयर द डॉक्यूमेंट्स, दूसरी सरकार को कागज भेजने का भी अधिकार है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, बारबाडोस यूके, यस, दैट ऐसा ऐसा ये आदमी करके भाग कर तुम्हारे यहां मेट्रो में कीवी बर्ड के फेदर से बना हुआ जैकेट पहनकर घूम रहा है, ठीक है, क्या ऐसा कोई पर्सनैलिटी यूके में खोज निकाला गया था, टेल मी, एंड द सम कैमरा पर्सन टुक द पिक्स एंड पोस्टेड अपॉन द सोशल मीडिया।
तो ये मींस अगर पैसा बाहर रख दिया गया तो सामने वाली सरकार को भी ये चिट्ठी भेजेंगे, यस भाई हमारा पैसा है, देश का पैसा है, वहां जाकर पार्किंग कर दिया, ठीक है। एंड द सेट गवर्नमेंट कैन देन शेयर द डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस नीडेड बाय द एजेंसी। द प्रिवेंटिव पार्ट इज टू क्रिएट अ डिटरेंट एंड फियर इन द माइंड्स ऑफ पीपल। इसके अलावा मनी लॉन्डरिंग प्रिवेंट करने के लिए फियर एंड डिटरेंट के रूप में काम करना, ये भी काम है इसका, ठीक है। क्योर भी काम है, प्रिवेंट भी काम है। एट व्हाट स्टेज डज द ईडी स्टेप इन व्हेन अ क्राइम इज कमिटेड। व्हेनेवर एनी ऑफेंस इज रजिस्टर्ड बाय अ लोकल पुलिस स्टेशन विच हैज जनरेटेड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ओवर एंड अबव 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला है, द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर फॉरवर्ड्स द डिटेल्स टू द ईडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, 1 करोड़ से ऊपर के मामले को पुलिस स्टेशन को एक चिट्ठी भेजनी पड़ती है ईडी के पास। ऑल्टरनेटली इफ द ऑफेंस कम्स अंडर द नॉलेज ऑफ द सेंट्रल एजेंसी दे कैन देन कॉल फॉर द FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और द चार्जशीट इफ इट हैज बीन फाइल्ड डायरेक्टली बाय द पुलिस ऑफिशियल्स। तो समझ लीजिए, ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर का मामला। एंड What differentiates the probe between the local police and officers of ED? मैंने अभी बताया आपको। Consider the following scenario: if a theft has been committed in a bank, the local police station will first investigate the crime. If it is learned that the founder of the bank took all the money and kept it in his house without being spent or used, the crime is only a theft, and the ED won't interfere because the amount has already been seized. ध्यान दीजिए, cash रहेगा, खर्च नहीं किया गया। ईडी बोलेगा नहीं, मेरा इसमें कोई काम नहीं है, ले जाओ कैश शान में पड़ा हुआ है, पुलिस देखेगी इसको। बट इफ द अमाउंट विच हैज बीन स्टोलन इज यूज्ड आफ्टर 4 ईयर्स टू परचेज सम प्रॉपर्टीज, देन द इल गॉटन मनी ब्रॉट बैक इन द मार्केट, और इफ द मनी इज गिवन टू समवन एल्स टू बाई प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, देन दिस इज मनी लॉन्डरिंग एंड ईडी विल कम अप। क्या क्लैरिटी आई आप लोगों को, टेल मी स्टूडेंट्स, क्लैरिटी आई मुझे बताइए, क्या फर्क है काम में, ठीक है। Under Section 50 of the PMLA, the ED can also directly carry out search and seizure without calling the person for questioning. ये देखिए, search and seizure operations, Section 50, extra powers. ठीक है। What are the other roles and functions of the ED? ED carries out search and seizure after it has been decided that the money has been laundered under Section 16 and Section 17 of the PMLA. On the basis of that, the authorities will decide if arrest is needed or not. Under Section 50, the power of the authorities regarding summons, production of documents and give evidences, the ED can also directly carry out search and seizure without calling the person for questioning. ये बहुत important point है, ये देखिए, other roles जो मैंने पढ़ा अभी, ठीक है, देख लीजिएगा students, बहुत important है। सवाल ये खड़ा होता है, क्या इससे भी deterrent के रूप में काम नहीं कर रहा है? Yes, नहीं काम कर रहा है। ईडी का इतना बड़ा रोल होने के बावजूद भी डिटरेंट का काम नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एंड ईडी बोथ आर वर्किंग। ईडी इज द फील्ड एजेंसी, FIU इज द एपेक्स एजेंसी, जहां से आप कह सकते हैं ये मींस ये फील्ड एजेंसी नहीं है, ठीक है। यहां पे केवल डिसीजंस एंड बाकी चीजें देखी जाती है, इंटेलिजेंस चेक किया जाता है, इंटेलिजेंस इनपुट्स आते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ फील्ड एजेंसी। सवाल ये खड़ा होता है कि इसके बावजूद इंडिया में मनी लॉन्डरिंग क्यों हो रहा है, ब्लैक मनी क्यों हो रहा है, हमारा ट्रांजैक्शंस क्यों होते हैं? तो इसके पीछे एक बड़ा रीजन है स्टूडेंट्स, लूप होल्स इन द लॉज। डू यू एग्री, लूप होल्स? तो इंडिया नीड्स टू सेट इट्स लॉज करेक्ट, क्योंकि कितने लॉज, कितने कानून हमारे बहुत पुराने हैं, 1961 के हैं, 1970 के हैं, क्या अभी नए नए तरीके आ गए हैं मनी लॉन्डरिंग के? टेल मी इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स, लेट मी नो। यही वजह है एजेंसीज में रिफॉर्म्स से कहीं ज्यादा जरूरी है लॉज में रिफॉर्म्स करना। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। नहीं, ध्यान दीजिए, एक सवाल यहां पे आया है, ईडी का रोल तभी आएगा जब पैसे से कुछ खरीदा गया है, अगर कैश में है तो पुलिस संभालेगी ना, पुलिस ऑफिसर्स। गवर्नमेंट इज नॉट स्टॉपिंग, वो नहीं, ये नहीं कह रहा है पैसा निकल गया अब निकलो यहां से, नहीं ये नहीं कह रहा है सरकार। सरकार कह रही है अगर केवल पैसा लेकर कैश रखा गया है, ठीक है, पुलिस का काम है उसे सीज करना,
अगर पैसे से कुछ खरीद लिया गया है तब ईडी का काम है आना, दैट्स इट। गेटिंग द पॉइंट, लॉज में बहुत लूप होल्स है, मैं बता दूं आपको, ठीक है। इनकम टैक्स रूल्स में लूप होल्स हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA में लूप होल्स थे डिफरेंट कंट्रीज के साथ में, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कॉरपोरेट टैक्सेस, कॉरपोरेट टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा लीनियंसी है, मैं ये बता दूं आपको। देर आर सर्टनली सम कंपनीज कॉल्ड अ जीरो टैक्स कंपनी, सुना होगा आपने, जीरो टैक्स कंपनीज जो इंसेंटिव्स और बाकी चीज़ों का फायदा उठाकर अपनी टैक्स लाइबिलिटी जीरो कर देती हैं सरकार के सामने। कॉरपोरेट टैक्स में लूप होल्स, इनकम टैक्स में लूप होल्स, ठीक है। एंड दिस एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द न्यू मेथड्स ऑफ फ्रॉड्स इन द बैंक्स, दिस ऑल हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। यस, ये देखिए, गेटिंग द पॉइंट। और अगर 1 करोड़ से नीचे की मनी लॉन्डरिंग हो रही है तो उसे कौन देखेगा? उसे पुलिस देखेगी ना। ये बताइए, अगर 1 करोड़ से नीचे के केस में भी अगर ईडी आ जाएगा तो बड़ी बड़ी मछली कैसे पकड़ी जाएगी, ठीक है। आई होप यू एग्री, देर आर लिमिटेशंस, देर इज अ लिमिटेशन ऑफ मीन्स वहाँ पे मैन पावर का भी लिमिटेशन है ना भाई, वहाँ पे इंसान कम है। ये ऐसा नहीं कि ईडी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, एजेंसी है, बहुत केसेस आते होंगे, इसीलिए लिमिट रखा गया 1 करोड़ से ऊपर। गेटिंग द पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो आ सकता है सवाल प्रीलिम्स में ईडी के ऊपर, और मेंस में अगर सवाल आएगा दैट मेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं दिस रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन द इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज टू काउंटर ब्लैक मनी, जरूर से पुट अप कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस का, जीएस पेपर 2 का। ब्रिक्स मीट लाइकली इन जून, देखिए हम लोग 3 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, ब्रिक्स गायब हो गया सीन से, तो शायद न्यूज़ सुन लिया इन लोगों ने भी, ठीक है। ब्रिक्स मीट लाइकली इन जून, इंडिया टू अटेंड चाइना होस्टेड इवेंट, दिल्ली कन्फर्मेशन कम्स वीक्स आफ्टर विजिट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर वांग ई। तो ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, लास्ट ईयर इंडिया ने होस्ट किया था वर्चुअल समिट, इस साल चाइना होस्ट कर रहा है समिट, जून में समिट एक्सपेक्टेड है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, एंड ये देखिए, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओरिजिनली इट वाज ब्रिक, साउथ अफ्रीका जॉइंड इन 2010। द एक्रोनिम, ये ब्रिक्स एक्रोनिम वॉज कॉइंड बाय फॉर्मर इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ऑफ गोल्डमैन सैच। ये देखिए, फर्स्ट फॉर्मल समिट 2009, एक समिट हुआ जिसमें साउथ अफ्रीका नहीं आया है, पार्टिसिपेट किया 2009 में, वो 2010 में इट बिकेम अ मेंबर, ठीक है। एंड ये देखिए, ब्रिक्स का एक ही रोल था, ब्रिक्स जब ये कंट्रीज आ रही थी, रीजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट, ये देखिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड प्रमोट करना, कोऑपरेशन ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज प्रमोट करना, प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग नेशंस प्रमोट करना, वेस्टर्न हेजेमनी को काउंटर करना, रीजनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस को काउंटर करना, एंड 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस दोबारा रिपीट ना हो, ये देखना। ये ब्रिक्स आया ही था डेवलपिंग नेशंस के लिए, बोला गया ब्रिक्स की जरूरत है, ब्रिक्स के 2 इनिशिएटिव्स, ध्यान दीजिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड कंटिंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक इज द सेम एज वर्ल्ड बैंक, कंटिंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट इज द सेम एज IMF। बात समझ में आ रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड कंटिंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, ये देखिए स्टूडेंट्स, NDB, फॉर्मरली ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर शांघाई चाइना, एस्टैब्लिश 2015। ये देखिए, ये वही काम करता जो वर्ल्ड बैंक करता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक, तो आप सर तब क्यों इसे बनाया गया? वर्ल्ड बैंक इज US प्रमोटेड, US के खिलाफ में ये NDB लाया गया था, ये देखिए, ठीक है। प्राइमरी फोकस लेंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू होम, टू पुअर कंट्रीज, ये देखिए, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। पता है ना आप लोगों को दैट US लेड ग्रुप्स, US लेड इंस्टीट्यूशन जब भी पैसा देते हैं दे पुट अप टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे बिना टर्म्स एंड कंडीशन की बात थी, दैट्स इट। यस, NDB इंडिया को पैसा क्यों नहीं देगा? दिया हुआ है पैसा, मध्य प्रदेश सरकार को दिया हुआ है, ठीक है, ओडिशा गवर्नमेंट को दिया हुआ है, तमिलनाडु को दिया हुआ है, NDB से अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स फाइनेंस हैं अभी इंडिया में, ठीक है, बिल्कुल पैसा मिला है इंडिया को, ठीक है।
State governments have got it. शायद मध्य प्रदेश में इट्स फॉर सैनिटेशन ओनली, लेट मी टेल यू, ये देखिए टेकन लोन फॉर रोड्स वाटर सप्लाई सैनिटेशन एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. ये पैसा किस फॉर्म में रहता है, या तो ग्रांट के फॉर्म में या एड के फॉर्म में, ठीक है, या मीन्स लोन के फॉर्म में. या तो पैसा दे दिया जाएगा कि वापस मत करो, या जब लोन में दिया जाएगा सॉफ्ट लोन्स. आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट लोन्स, टेल मी. ठीक है, बहुत कम इंटरेस्ट पर, दैट्स इट. देखिए सीआरए कंटिंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को बचाने के लिए. देखिए क्या इससे अभी श्रीलंका गुजर रहा है, टेल मी स्टूडेंट्स, क्या इसी को प्रिवेंट करने के लिए आईएमएफ है ग्लोबल लेवल पर? लेकिन आईएमएफ जब भी आता है ना, आईएमएफ अपना टर्म्स एंड कंडीशन लेकर आता है जो यूएस के फायदे की बात होती है, ठीक है. इसीलिए बीओपी क्राइसिस के लिए सीआरए अरेंज किया गया, दैट एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन टू आईएमएफ हेजेमनी, दैट्स इट. सो इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर द प्रोविजन ऑफ सपोर्ट थ्रू लिक्विडिटी एंड प्रिकॉशनरी इंस्ट्रूमेंट्स इन रेस्पॉन्स टू बीओपी प्रेशर्स, सीन एज अ कंपिटिटर टू आईएमएफ. Established 2015, फोर्टा लेजा डिक्लेरेशन ब्राजील, बहुत इंपॉर्टेंट. 2016 में प्रीलिम्स में पूछ दिया यूपीएससी ने, फोर्टा लेजा डिक्लेरेशन कौन से इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, देखिएगा जाकर पेपर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. फोर्टा लेजा डिक्लेरेशन इज अ टॉपिक ऑफ करेंट अफेयर्स, इट वॉज आस्क्ड इन 2016 प्रीलिम्स. तो श्रीलंका अभी ऐसे ही समय से गुजर रहा है, और नेपाल गुजरने वाला है, यस, लेकिन ब्रिक्स एक्टिव नहीं है. गेटिंग द पॉइंट, इसका साफ साफ मतलब स्टूडेंट्स दैट ब्रिक्स को अपने आप को वापस एकजुट होना पड़ेगा. ये देखिए ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका सब कोई खुश है यहाँ पे, लेकिन सबके चेहरे पे सुपरफिशियल हंसी. एग्री कर रहे हैं, मुझे बताइए, ये वैसी हंसी है जब रिलेटिव्स इनके बीच में पटता नहीं है कुछ भी, वो एक जगह घर में इकट्ठा होते हैं, ऊपर से सब हंसते हैं और अंदर ही अंदर एक दूसरे से मींस परेशानी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, बीपी रेज रहता है सामने वाले को देखकर, ठीक है. स्पेशली यहाँ पे मैं बता दूं आपको दैट चाइना का यही कंसेप्ट चल रहा है अभी इंडिया के साथ में, ऑल्सो विद साउथ अफ्रीका, यस. और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, रशिया बहुत ही फिक्स में पड़ा हुआ है, क्या करूं मैं, ठीक है, चाइना भी मेरा एक अलाई, इंडिया भी मेरा अलाई, ठीक है, किधर मैं जाऊं, मैं क्या करूं, कैसे मैं मैनेज करूं. उधर साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील वाले बोल रहे हैं कि हम लोग पे तो लाइमलाइट ही नहीं है, फोकस ही नहीं है, ठीक है, ये यही तीन ही देश पूरा लीड कर रहे हैं इस ग्रुप को, ठीक है, न्यूज़ में हम लोग आते ही नहीं है, ठीक है, चेहरा सामने दिख रहा है लेकिन न्यूज़ में इनका नाम नहीं आता है ज़्यादा. तो दिस इज द कंडीशन, ठीक है, यू कैन सी द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक पर्सन ऑन द इन द फेस इज दिस चाइनीज पर्सनैलिटी, यू कैन सी इट, ठीक है, मन में गुस्सा है, ठीक है, सामने लेकिन कैमरा है, दैट्स इट. तो आइए आगे बढ़ते हैं. वीक आफ्टर द विजिट ऑफ चाइनीज फॉरन मिनिस्टर वांग यी टू दिल्ली, इंडिया हैज एग्रीड टू अटेंड अ वर्चुअल समिट ऑफ द लीडर्स ऑफ द ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ग्रुपिंग लाइकली टू बी हेल्ड एट द एंड ऑफ जून, सोर्सेज हियर हैव कंफर्मड, यू कैन सी इट. तो देखा जाए अब रिवाइवल होगा कि नहीं. लेकिन ध्यान दीजिए, इनके साथ एक और टेंशन है, इन पांचों लोगों के साथ में, ठीक है, और वो टेंशन ये है कि G7 कंट्रीज भी मीट कर रही हैं जस्ट दो दिन बाद. G7 कंट्रीज, यस, जर्मनी फ्रांस यूके इटली जापान कनाडा एंड यूएस बवेरियन एल्प्स में, ठीक है, एल्प्स माउंटेन्स जर्मनी, बवेरिया जर्मनी का प्रोविंस है, वहां पर जून 26 से 28 था, couple of days after the BRICS summit. कहीं ऐसा ना हो जाए कि G7 versus BRICS हो जाए, ठीक है, डर लग रहा है, अभी कुछ भी हो सकता है इस संसार में, ठीक है, अभी कुछ भी हो सकता है, जब से कोविड का जमाना आया तब से कुछ भी होने के आसार दिख रहे हैं, ठीक है, G7 उधर उधर BRICS, ठीक है, let's see what is going to happen. But one thing is for sure, BRICS needs to rejuvenate itself. Do you agree? Tell me. ब्रिक्स, सबसे ज्यादा ब्रिक्स को अभी जरूरत है रिजुविनेट करने के लिए, यस. ब्रिक्स अगर नहीं वापसी किया तो मैं बता दूं आपको कि ब्रिक्स का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा इन अ कपल ऑफ इयर्स. लेट मी टेल यू, ब्रिक्स नीड्स टू फाइंड न्यू मीनिंगफुल मींस अपनी लाइफ का नया मीनिंग खोजना पड़ेगा ब्रिक्स को इस सिनारियो में.
और ब्रिक्स के अंदर सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। आई होप यू एग्री, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे इसका न्यूज तो आएगा जून में, लेकिन ब्रिक्स के बारे में आपने कुछ इंफॉर्मेशन ले लिया, ये देखिए ठीक है। ब्रिक्स का कंट्रीब्यूशन 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये देखिए चाइना और इंडिया, बाकी सब छोड़ दीजिए ठीक है, 20% पॉपुलेशन वर्ल्ड का, एक ही जगह पे ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड न्यूज आईआर का, ये देखिए, मेनी ग्रुप्स आर इनएक्टिव, व्हाट आर द रीजंस, कोविड ठीक है, कोविड ने समिट्स, आप खुद बताइए कोविड के कारण क्या समिट्स पे असर पड़ा, समिट्स पे असर पड़ा, everyone shifted towards virtual summit. Tell me one thing, virtual summits, are they that much successful as the offline summits? मुझे बताइए, virtual summits में तो और दिक्कत की बात होती है, it is taken as a formality. चलो यार, चलो दो घंटे का मीटिंग है, पार्टिसिपेट करते हैं फिर अपना काम देखेंगे ठीक है, तैयार किया कुछ ना कुछ ठीक है, ये वैसे जैसे कि आप ऑनलाइन में कभी कभी आप क्लास करते हैं ना कभी कभी ठीक है, इनएक्टिव तरीके से, वैसे ही यहाँ पे चाइना डिप्लॉइंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्या ये चिंता की बात है मुझे बताइए, यस चिंता की बात है, चाइना एक तरफ हाथ मिला रहा है और देखिए यहाँ पे देखिए चेहरा देखिए इस पर्सनैलिटी का पीछे में, देखिए लग रहा है कि बहुत खुश है ये, और इधर देखिए साथ में लिए हुए एक हाथ में अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये देखिए क्या ये दिक्कत की बात है, यस This is a problematic stance by China. Intelligence, surveillance and target acquisition reconnaissance are core task of this UAVs and now it's deploying at the LSE. China continues to expand the unmanned aerial vehicle network and use in areas close to line of actual control. This is just going to have an impact upon India-China relations. I hope you agree. Ye dekhiye. Aur UAVs have become the new, इट्स गोइंग टू बिकम द न्यू प्लस फैक्टर, अगर इंडिया को भी अगर आगे बढ़ना, इंडिया को यूएवीज में आगे बढ़ने पड़ेंगे, ये देखिए मैं बता दूं आपको, तो क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया रिसेंटली, बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब चाइना भी यही काम कर रहा है, इंडिया चाइना रिलेशंस कंसर्न्स प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया, लिख दीजिएगा इस न्यूज को ठीक है। This is part of the massive expansion of infrastructure and runways construction. मैं बता दूं आपको, एक editorial हम लोगों ने पढ़ा था students, that China-India जो boundary line है ठीक है, हम लोगों ने एक editorial पढ़ा था that on this India's eastern ठीक है, India's eastern जो area है जहाँ पे China से boundary लगती है, चाइना इज ऑन अ बैक फुट, यू नो वाई, क्योंकि चाइना के पास ये देखिए पूरा ये पामीर प्लेटो है स्टूडेंट्स, पामीर प्लेटो, डू यू एग्री, टेल मी, क्या इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, यहाँ पे कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं है चाइना के, कोई बड़ा एयरपोर्ट तक नहीं था, मैं बता दूँ आपको, यही वजह है चाइना को, अगर चाइना की आर्मी को LSE पर कुछ भी काम कुछ भी सपोर्ट चाहिए, वो चेंगडू से लाना पड़ेगा, देखिए चेंगडू एक शहर है यहाँ पे, आपने मार्क किया हुआ, ये देखिए चेंगडू इज ऑन द जस्ट ऑन द फ्रिंज ऑफ पामीर प्लेटो, चोंगकिंग एक शहर है देखिए ठीक है, टेल मी, मिला मुझे बताइए, इसराइल से ले सकते हैं हम लोग बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, लेकिन टेक्स लेकर हम लोग अपना डिटेरेंस बढ़ा सकते हैं, बट स्टिल दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। चेंगडू एक शहर है, फ्रिंज एरियाज पे है, वहीं से सपोर्ट है चाइना की आर्मी को अभी तक का, लेकिन अब मैं बता दूं चाइना ने पिछले दो साल में जब से LSE कन्फ्लिक्ट हुआ 2020 में, चाइना ने यहाँ पे दिस अपने एयरपोर्ट्स और रोडवेज और रेलवेज बना दिया है, चाइना को समझ में आ गया कि इस जगह पे मैं बैकफुट में रहूँ बहुत दिन से, चाइना वॉज ऑन द बैकफुट इन फैक्ट, यस, बिकॉज इंडिया के सारे मेजर स्टेशन देखिए ये हिमालय है यहाँ पे इस बेल्ट में, इंडिया के सारे मेजर स्टेशन यहीं पे हैं, वेरी क्लोज टू हिमालय, यस, बरेली एयरबेस, आगरा एयरबेस ठीक है, पठानकोट एयरबेस देखिए यहाँ पे, सब कुछ नज़दीक है इंडिया के लिए, यहाँ देखिए बागडोगरा एयरबेस ठीक है, सिलीगुड़ी, ये सारी चीज़ें नज़दीक हैं इंडिया को, एक घंटे लगेंगे इंडियन एयरफोर्स को हिमालय के ऊपर जाने में ठीक है,
लेकिन अभी और चाइना को लगते 5 से 6 घंटे, आप खुद समझ सकते हैं। दिस इज वाई चाइना हैज नेवर बीन एग्रेसिव इन दिस बेल्ट विद दैट स्टांस। ही देखिए, जब से इंडिया का एस्टैब्लिश हो गया सुप्रीमेसी इन आर्मी नेवी इन आर्मी एंड एयरफोर्स इन दिस बेल्ट, ठीक है, पाकिस्तान वॉर है या बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है, उसके बाद से चाइना टुक इट क्वाइट सीरियसली। लेकिन अब चाइना इस जगह पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, ध्यान दीजिए, अपनी कमी खत्म करने के। सो इट्स ज्योग्राफी विच हैज डिटरमिंड दिस स्टांस, डू यू एग्री? ज्योग्राफी, मैं अंत में आप यही कहिएगा सर आप फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल पे आ गए, ठीक है, आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट। यस, ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, विदाउट ज्योग्राफी नो डिफेंस, विदाउट ज्योग्राफी नो एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। सो ज्योग्राफी डिटरमिन्स द डिफेंस एंड ऑफेंस स्टांस ऑफ एनी कंट्री। यस, बिल्कुल सटीक तो है। मैं बता दूं, वोल्गोग्राड में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हाइट्स पे जाकर अटैक किया था, तो वोल्गोग्राड में किसने सोचा होगा कि कब्र खुद जाएगी जर्मनी के सोल्जर्स की? जर्मनी उस समय ये कंडीशन में था, हिटलर उस समय इस कंडीशन में था कि जिधर हाथ उठता था उधर वो देश उसके कब्जे में विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स। रशिया के साथ उस समय जर्मनी ने दिस कोलैबोरेशन किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एंड सडनली हिटलर बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट एंड अटैक्ड इट्स अलाई रशिया। और ये लेट ऑटम सीजन की बात है, अटैक किया जर्मन सोल्जर्स ने, आधी आधी जर्मन सोल्जर्स फ्रांस से बुलाकर आधी बटालियन भेज दी गई रशिया। रशिया में रशिया वॉज मीन्स डिफीटेड। मैं बता दूं आपको, टिल वोल्गोग्राड केम। वोल्गोग्राड वोल्गा नदी पे एक शहर है, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में, देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और वहाँ पे केवल रशिया ने दो ही तरीके से हैंडल किया जर्मन सोल्जर्स को। ठंड का मौसम था, ये लोग तैयार होके नहीं आए थे ठंड के मौसम के लिए। रशिया का आर्मी का केवल एक स्टांस वहाँ पे था, एक मीन्स दे हैड टेकन अप स्टांस दैट हमें बस टाइम गुजारना है, अक्टूबर से नवंबर करना, नवंबर से दिसंबर करना, दिसंबर तक ये लोग मर जाएंगे, ठीक है। एंड अगर कोई अटैक करेगा जर्मनी तरफ से, ठीक है, तेजी से अटैक करेगा, जिसे ब्लिट्जर क्रिक कहता था हिटलर, ठीक है, फास्ट अटैक, तो उस सिनारियो में स्नाइपर्स हैं रशिया के पास, स्नाइपर्स शार्प शूटर्स, हार्डली 10-15 स्नाइपर्स वही संभाले रहे उस पूरे शहर को। और सही में विंटर सीजन ने कब्र खोद के रख दी जर्मन सोल्जर्स की। ज्योग्राफी डिटरमिंड द डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आई होप यू एग्री, टेल मी। तो समझ लीजिए, ज्योग्राफी डिटरमिंड द आउटकम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैं यही कहता ही हूँ, ठीक है, और कुछ मैं नहीं कहता हूँ। ना तापमान नीचे जाता, ना जर्मनी हारता, ना जर्मनी हारता, ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस तरीके से आगे बढ़ता, दैट्स इट। एक ही जगह पे हार जर्मनी को ख़त्म कर दिया, उसने ब्रेक कर दिया मोराल जर्मन सोल्जर्स का, क्योंकि फील्ड में तो वही थे। उसके बाद केम द फेमस अटैक बाई ऑन द नॉर्मेंडी बीचेस बाई US led forces, that's it। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यानी इसका मतलब है दैट अपनी ज्योग्राफी ठीक करने के लिए ही ये सब काम कर रहा है चाइना। आइए आगे बढ़ते हैं। इरिडियम फोन्स थर्मल इमेजेस डिटेक्टेड, आप देखिए चिंता की बात है। 15 सिग्नेचर्स ऑफ इरिडियम सैटेलाइट फोन्स यूज बाय द US led allied forces इन अफगानिस्तान एंड वाईफाई इनेबल्ड थर्मल इमेजिंग डिवाइसेज दैट हेल्प टेररिस्ट एस्केप सिक्योरिटी कॉर्डन्स हैव बीन फाउंड इन कश्मीर वैली। अफगानिस्तान से आ गया यहाँ पे, क्या ये चिंता की बात है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए? मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये चिंता का विषय है। इरिडियम फोन्स थर्मल इमेजिंग डिवाइस वाईफाई इनेबल्ड मॉडर्न इक्विपमेंट जो US छोड़कर भाग गया अफगानिस्तान में। US ने कहा था मैं सब लेकर जा रहा हूँ, लेकिन उसने वहाँ छोड़ दिया था कितनी चीज़ें, ये न्यूज़ में आया था। उसमें से कुछ चीज़ें अब मिली हैं कश्मीर वैली में, और इंडिया इज गोइंग टू फेस सम प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस। दे सेड सम ऑफ द सिग्नेचर्स ऑफ इरिडियम सैटेलाइट फोन्स हैव बीन फाउंड इन साइबर स्पेस सिंस फरवरी। ये देखिए, एंड पहले नॉर्थ कश्मीर में था, अब साउथ कश्मीर वैली में भी इसका प्रेजेंस दिख गया। ये देखिए, इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी फोर्सेज का, जो सिक्योरिटी फोर्सेज
चेक इन होता है ना, ठीक है, एंड दिस सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ कहाँ पे डिप्लॉयड है, ये सब चेक करने के लिए डिवाइसेस हैं। इंटरनल सिक्योरिटी भी अभी प्रॉब्लम आफ्टर दिस, ठीक है, इसका इस्तेमाल करके लोग एस्केप करेंगे सिक्योरिटी कॉर्डन्स, ये देखिए सिक्योरिटी चेक्स, दैट्स इट। और जब जब मिलिटेंट्स इसको एस्केप करेंगे तो क्या टेररिस्ट अटैक्स के चांसेस बढ़ सकते हैं, मुझे बताइए, टेररिस्ट अटैक्स के चांसेस बढ़ सकते हैं आफ्टर एस्केप ऑफ मिलिटेंट्स थ्रू दिस सिक्योरिटी कॉर्डन्स, ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में से ऐडअप कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, जीएस पेपर थ्री, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, क्राइसिस इन श्रीलंका, नेपाल, लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स टू टेक अ हिट, ये देखिए श्रीलंका और नेपाल में क्राइसिस और हमारे यहाँ के लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स में दिक्कत, बताए क्यों, क्यों बताइए, टेल मी स्टूडेंट्स। तो क्योंकि श्रीलंका और नेपाल में पैसे ही नहीं है, ठीक है, आपने यहाँ चीजें बनाई, ध्यान दीजिएगा, इंडिया के अच्छे खासे लघु उद्योग, इंडिया एमएसएमई सेक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन एक्सपोर्ट्स टूवर्ड्स नेबरिंग कंट्रीज, डू यू एग्री, टेल मी, ये देखिए एक्सपोर्ट्स टू नेपाल एंड श्रीलंका, अब नेपाल एंड श्रीलंका में एक्सपोर्ट्स होगा ही नहीं क्योंकि बदले में पैसा आएगा ही नहीं, ठीक है, यही ना दिक्कत है। तो टेल मी, इज दिस लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स गोइंग टू टेक अ हिट, टेल मी इन इंडिया, टेल मी, चिंता की बात, एमएसएमई सेक्टर वो भी लेबर इंटेंसिव, देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसमें मजदूर लगे हुए हैं, ठीक है, उसके एक्सपोर्ट्स पे असर पड़ेगा, बंद हो जाएंगे उद्योग, दैट्स इट। नेपाल भी सो ना, लास्ट वीक नेपाल का प्रॉब्लम, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी का, दिस फॉरेक्स क्राइसिस चल रहा है नेपाल में, टूरिज्म बंद चल रहा है, ठीक है, कोविड का इम्पैक्ट पड़ा है, एंड नेपाल, ध्यान दीजिएगा, नेपाल इज अ कंट्री डिपेंडेंट होली ऑन इम्पोर्ट्स फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड फ्यूअल, और तेल का दाम बढ़ा है, फॉरेक्स ड्रेन हो रहा है अच्छा खासा, यस, नेपाल का एक ही सोर्स था फॉरेक्स अर्न करने का, टूरिज्म बंद पड़ा हुआ है, यही वजह कहा जा रहा है नेपाल और श्रीलंका में जो एक्सपोर्ट्स होते थे, नेपाल में मैं बताऊं, नेपाल में एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छे खासे बिहार और यूपी की एमएसएमई सेक्टर इंडस्ट्रीज आर देयर इन बिहार एंड यूपी एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स टू नेपाल, असर पड़ेगा अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट पे, एंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, अगर एमएसएमई सेक्टर बंद, लेबर इंटेंसिव, तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इंडिया में, ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रीजंस इन द पोस्ट कोविड सिनारियो, डू यू एग्री, ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रीजंस इन द पोस्ट कोविड सिनारियो हैज इंक्रीज्ड, क्या रीजंस हैं, एक रीजन ये भी है नेपाल और श्रीलंका में प्रॉब्लम्स, क्या इतना हो जाएगा, टेल मी स्टूडेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं, टेक्सटाइल क्लस्टर लेफ्ट इन द लर्च अमिड इनपुट शॉर्टेजेस राइजिंग कॉस्ट, देखिए एक हफ्ते पहले के हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट्स कि कॉटन की कमी चल रही है, ठीक है, टेक्सटाइल में दिक्कत आने वाली, और देखिए दिक्कत शुरू हो गई, बहुत दिक्कत, ठीक है, सूरत का ये स्टोरी है, यहाँ पे केस स्टडी है, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पॉलिस्टर यार्न प्राइसेस हैव जंप 30% इन द लास्ट 6 मंथ्स, प्राइसेस ऑफ कोल एंड लिग्नाइट अप 100%, वर्कर्स आर डिमांडिंग अ 10-12% वेज हाइक, फैब्रिक आउटपुट कट फ्रॉम प्री पैंडेमिक लेवल्स ऑफ 40 मिलियन मीटर्स अ डे टू अबाउट 30 मिलियन मीटर्स अ डे, कंबाइंड रेवेन्यूज ऑफ सूरत टेक्सटाइल यूनिट सीन टू फॉल बाई 65%, ओवर 50,000+ वीविंग यूनिट्स एंड ओवर 400 टेक्सटाइल प्रोसेसिंग हाउसेज आर स्मॉल एमएसएमई सेक्टर, बंद हो जाएगा सब, देखिएगा बंद हो जाएगा अगर ध्यान नहीं दिया गया, तो मैं बता रहा हूं आपको 30% का राइज, 100% का राइज कोयले में, 15% का राइज वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं, वो मालिक बोलेगा तो क्या हम मुझे ही खा जाऊं, ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो, इतनी खराब कंडीशन में चल रही है और इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है, 65% फॉल हो गया रेवेन्यूज में, सोचिए, ये वही बात होगी, आप अर्न कर रहे हैं सैलरी, कल को दिस 100 रुपये 1 लाख रुपए आपकी सैलरी 35,000 पे आ गई, सोचिए, और 50,000 वीविंग यूनिट्स स्मॉल एमएसएमई है, बंद होने में टाइम नहीं लगेगा, 2 महीने में बंद हो जाएगा अगर ध्यान नहीं दिया गया तो, प्रॉब्लम्स इन द टेक्सटाइल्स, ये देखिए कॉटन टेक्सटाइल एंड द सिंथेटिक टेक्सटाइल सेक्टर, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड टेक का न्यूज है, द स्टेटस ऑफ इंडिया नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ये देखिए
इंटरनल सिक्योरिटी का भी टॉपिक है और साइंस एंड टेक का भी टॉपिक है, देखते हैं क्या दिया हुआ इसमें द स्टोरी सो फार। ठीक है, देखिए, व्हाट आर द की रिकमेंडेशंस ऑफ द डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू फ्रेमिंग अ रोबस्ट एंड होलिस्टिक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। ये देखते हैं, अमिड अ सर्ज इन साइबर अटैक्स ऑन इंडियाज नेटवर्क्स द सेंटर इज येट टू इंप्लीमेंट द नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी विच हैज बीन इन द वर्क सिंस 2020। व्हाई डज इंडिया नीड अ साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी? As per American cyber security firm Palo Alto Networks 2021 report, Maharashtra was the most targeted state in India. 42% of all ransomware attacks. See, देखिए condition, देखिए out नहीं होता, लेकिन इंडिया में भी उतनी परेशानी चल रही है cyber attacks में. The report stated that India is amongst the more economically profitable regions for hacker groups, and hence these hackers ask Indian firms to pay a ransom, usually using cryptocurrencies in order to regain access to the data. ये देखिए, 1 in 4 Indian organizations suffered a ransomware attack in 2021. Yes, Indian organizations witnessed a 218% increase in ransomware, higher than the global average of 21%. ये देखिए, 21% ransomware attacks में rise हुआ globally, हमारे यहाँ 220%, 10 गुना. And software and services, capital goods and public sector were amongst the most targeted sectors. मैं बता दूँ, educational फील्ड में एडिटेक कंपनी सब के सब इंपैक्ट हुए हैं अटैक्स इन द प्रेजेंट सिनारियो, एंड दिस पब्लिक सेक्टर भी नहीं छूटा है. ये देखिए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन IIT वगैरह भी इनका हैक हो चुका है वेबसाइट. तो इसी में इंडिया नीड्स टू अर्जेंटली स्ट्रेंथन इट्स साइबर सिक्योरिटी. व्हाट इज द नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी? आइए देखते हैं. Conceptualized by the Data Security Council of India, the 22-page report focuses on 21 areas to ensure a safe, secure, trusted, resilient, and vibrant cyberspace for India. The main sectors of focus of the report are, report banaya gaya hai ki ispe kaam kiya jaye to acha rahega. Aaj dekhte hain. Pehla, large scale digitization of public services. Ye dekhi. There needs to be a focus on security in the early stages of design in डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव. एग्री कर रहे हैं, जैसे हम ऑनलाइन पे शिफ्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट कर रहे हैं, क्या उनको साथ में सिक्योरिटी इंटीग्रेट करते जाना चाहिए. इंडिया में क्या होता है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ में दे फर्स्ट मेक द वेबसाइट, जब हैक हुआ तब सिक्योरिटी की बात आती है. आई होप यू एग्री, टेल मी. तो जब डिजिटाइजेशन चल ही रहा है पब्लिक सर्विसेज का, सिक्योरिटी शुड बी इंटीग्रेटेड इन इट. यस. Second point, supply chain security. There should be a robust monitoring and mapping of supply chain of the integrated circuits and electronic products. Yes, usse bhi kitna hacking chal raha hai China ki taraf se. Are China ko mauka dijiye aap, wo dal dega uske andar bhi kuch na kuch device. Theek hai, malum chal raha hai aap mobile phone mein baat kar rahe hain, malum chal raha hai aap laptop mein kaam kar rahe hain, sab kuch ja raha hai wahan China ke paas. तो सप्लाई चेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो है, क्या उसको सिक्योर करना जरूरी है, क्या उसमें चेक करना जरूरी है, क्या उसको मॉनिटर करना जरूरी है, क्या उसको मैपिंग करना जरूरी है, मुझे बताइए, टेल मी. नेक्स्ट, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन. ये देखिए, अ सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिक्योरिटी शुड बी इंटीग्रेटेड विद एंटरप्राइज सिक्योरिटी. तो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जरूरी है. नेक्स्ट, डिजिटल पेमेंट. देयर शुड बी मैपिंग एंड मॉडलिंग ऑफ डिवाइसेज एंड प्लेटफॉर्म डिप्लॉयड. यस भाई, डिजिटल पेमेंट ऐसे हम लोग करते हैं जैसे लगता है कि सब कुछ सेफ चल रहा है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं? यस, ये देखिए. नेक्स्ट, स्टेट लेवल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑपरेशन एंड गवर्नेंस नीड्स टू बी डिप्लॉयड. ये देखिए, तो ये मेन सेक्टर्स ऑफ फोकस इस रिपोर्ट ने कहा कि ये काम करना पड़ेगा. पांच वर्क, इसने पांच स्टेप्स बताए हैं. ठीक है, आइए देखते हैं व्हाट स्टेप्स डज द रिपोर्ट सजेस्ट. पूछा गया कैसे ये सारे काम होंगे, कैसे ये सारे सेक्टर्स पे फोकस किया जाएगा. उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, बजट प्रोविजंस मिनिमम 0.25% ऑफ एनुअल बजट, बाद में 1% ऑफ द बजट शुड बी केप्ट फॉर साइबर सिक्योरिटी. एग्री कर रहे हैं. ये देखिए, साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है, पैसा ही नहीं है पास में, बहुत चिंता की बात है. बहुत चिंता की बात है स्टूडेंट्स. कभी आपने सुना है कि साइबर सिक्योरिटी में बजट में इतना प्रोविजन रखा गया? नहीं, नहीं क्या? आप बोलेगा सर सुनने से क्या हो जाएगा, सुनने से कम ठीक है, मन शांत होगा कि कुछ पैसा रखा गया इंस्टीट्यूशंस के लिए जो काम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के.
इतना रखना जरूरी है, मैं बता दूंगा आपको, और ये सही लिखा है 1% ऑफ द टोटल बजट रखना पड़ेगा आने वाले समय में। इट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव कवर, जैसे आपकी सैलरी से कहा था इंश्योरेंस का पैसा अलग कीजिए, लाइफ इंश्योरेंस का। आप कहते हैं क्यों अलग करें, ये टर्म प्लान लाइफ इंश्योरेंस पैसा तो वापस मिलेगा नहीं। उसकी जरूरत तब समझ में आती है जब जीवन किसी का चला जाता है और परिवार ऐसे ही बेसहारा छूट जाता है, तब समझ में आता है कि टर्म प्लान का क्या जरूरत था। आई होप यू एग्री, सेम वे आउट है, ठीक है। आपने सुना होगा LIC का टर्म प्लान या बाकी चीज, बाकी जो इंश्योरेंसेस होते हैं, टर्म प्लान इज अ प्लान जिसमें केवल आपकी लाइफ कवर मिलती है, ठीक है, कि दिस आप प्रीमियम भरते जाइए, अगर आपके मींस द पर्संस इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंटल डेथ या समथिंग लाइक दैट, द मनी विल बी गिवन टू द फैमिली मेंबर्स, दैट्स इट। और अगर जिंदा है इंसान तो नहीं मिलेगा पैसा। स्टूडेंट्स, दिस इज अ इन्वेस्टमेंट, ये एक इन्वेस्टमेंट होता है जीवन को लेकर, ऐसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ये, इसे खर्चा लेना ही चाहिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग समोसा खा लेते हैं उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट मानते हैं, और इंश्योरेंस को लेकर हम लोग खर्चा मानते हैं, एक्सपेंसेस। सेम वे आउट है, हम लोग बाकी जगह पैसा खर्च कर देंगे, कहेंगे वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में बोलेंगे यार खर्चा हो रहा है एक्स्ट्रा, यार क्या दिक्कत की बात है। ये देखिए उल्टा चीज है ना, यू हैव टू रिवर्स द कॉन्सेप्ट्स आउट हियर, क्लियर। नेक्स्ट, रिसर्च इनोवेशन स्किल बिल्डिंग एंड टेक डेवलपमेंट, ये देखिए क्या इसमें फोकस करना पड़ेगा। देखिए ये स्टेप्स, द रिपोर्ट सजेस्ट इन्वेस्टिंग इन मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ ICTs, सेटिंग अप ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म एजेंडा फॉर साइबर सिक्योरिटी वाया आउटकम बेस्ड प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट्स इन डीप टेक साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन। ये देखिए रिसर्च इनोवेशन स्किल बिल्डिंग टेक डेवलपमेंट, और मेरे हिसाब से कुछ एक चाहिए इंडिया में रिसर्च यूनिवर्सिटी साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। क्या कहते हैं मुझे बताइए चैट बॉक्स में, डू यू एग्री, क्या हमें एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, मुझे लिख कर बताइए चैट बॉक्स में। मेरे हिसाब से चाहिए, ठीक है, हर चीज़ में यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस आ रहे हैं, व्हाई नॉट इन दिस फील्ड, टेल मी। ये एक सबसे बड़ा डेंजरस फील्ड है, डेंजरस खिलाड़ी हैं इसमें चाइना एंड रशिया एंड US के हैकर्स एंड नॉर्थ कोरिया का लाजारस ग्रुप, दैट्स इट। तो फर्दर मोर, नेशनल फ्रेमवर्क शुड बी डिवाइज इन कोलेबोरेशन विद इंस्टीट्यूशंस लाइक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस। उसका लिखा हुआ है क्राइसिस मैनेजमेंट पे फोकस, साइबर इंश्योरेंस पे फोकस, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइबर डिप्लोमेसी पे फोकस, ये देखिए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे फोकस, क्या बात है, क्राइसिस मैनेजमेंट, साइबर इंश्योरेंस, साइबर डिप्लोमेसी, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिस्टिंक्ट स्पेशल तरीके से होना चाहिए, जुडिशरी से लेकर अलग न्यू लॉज भी क्रिएट किए जाना चाहिए यहाँ पे, यस। साइबर डिप्लोमेसी, इंडिया शुड टॉक विद अदर कंट्रीज रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी एवरी टाइम इंडिया डिप्लोमेट्स गो अब्रॉड। साइबर इंश्योरेंस, ये देखिए इट मस्ट बी अ न्यू फील्ड टू कम अप, लिखा हुआ यहाँ पे। अब सवाल यहाँ पे यही खड़ा होता है स्टूडेंट्स, दैट आपसे सवाल पूछा जाएगा दैट Examine the need of a robust policy framework in the field of cyber security. क्या जरूरत है, ठीक है, आपको एग्जाम्पल देना है उसमें क्या क्या अटैक्स हुए हैं, साइबर अटैक्स पिछले दो तीन साल में। Examine the need of robust policy framework in the field of cyber security. ये पहला सवाल। सेकंड क्वेश्चन ध्यान दीजिए इसमें, what steps should be taken for the same, ये स्टेप्स देख लीजिए यहां, 15 मार्क्स 250 वर्ड्स, ठीक है। और मैं ये बता दूं आपको, एक होता है कंसेप्ट, क्या अवेयरनेस भी चाहिए इंडिविजुअल्स को, कि जैसे ही मेल आया, मेल पे लिखा हुआ है आपको मिल गया £5,00,000 अफ्रीका में कोई छोड़ कर गया है आपका रिलेटिव, ठीक है, आपको पता है अफ्रीका में कोई नहीं था आपका, ठीक है, फिर भी £5,00,000 $5,00,000 लेने के लिए क्लिक कर दिया मेल को आपने, क्या चिंता की बात है, बहुत ज़्यादा चिंता की बात है, £5,00,000 तो नहीं मिला आपको,
जो आपके अकाउंट में 5 रुपए थे वो भी निकल गए वहां से. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. देयर शुड बी अ कांसेप्ट ऑफ साइबर हाइजीन एंड देयर शुड बी कांसेप्ट ऑफ अवेयरनेस अमंग द पब्लिक. आई होप यू एग्री. ठीक है. आते रहते हैं मेरे सामने, देखा रोज एक मेल आता है. ठीक है, कोई रिलेटिव. ठीक है. और अभी तो समझ में आ गया है कि क्या है. पहले जब मेल आते थे, इवन आई वॉज फिक्स 10 ईयर्स बैक 8 ईयर्स बैक, यार ये कौन अफ्रीका मेरा रिलेटिव कौन आ गया भाई, सेनेगल में एंड बाकी जगहों पे. ठीक है, सेनेगल में आ गया, कभी कभी बुकिना फासो में आ गया, कभी साउथ अमेरिका से मेल आ रहा है. ठीक है, बाद में मालूम चला कि वो जितना 50 रुपए है अकाउंट में उस पर भी नजर है उन लोगों की. ठीक है, ये देखिए व्हाट स्टेप शुड बी टेकन फॉर द सेम. बस ये 15 marks to 50 words ये देखिए. तो क्लिक मत कीजिएगा. ठीक है, कितने लोग रहते हैं ना दैट. मैं बता दूं, एक केस हुआ था ऐसा, वन ऑफ द इंडिविजुअल्स. ठीक है, उसने बस उसके पास मैसेज आया था मोबाइल पे दैट इतना इतना पैसा आपको एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा, इतना इतना पैसा लेकर, और आपको मिल जाएगा बदले में इस 5 lakh rupees या कुछ 10 lakh rupees आप जीते हैं. ठीक है, आप 50,000 रुपये का इंतज़ाम कीजिए, एयरपोर्ट पे आइए, एयरपोर्ट पे आपसे मिलने एक आदमी आएगा, उसके बाद आपको पैसा बाकी मिल जाएगा. द पर्सन बिकेम वेरी सीरियस, 50,000 rupees इंतजाम करने निकल पड़ा. ठीक है, एंड वी एडवाइज दैट पर्सन, उसी को बोल दो कि 5 लाख में से 50,000 निकाल कर रख ले अपने पास. ठीक है, 4.5 लाख तो मैं दे दे, क्या दिक्कत है. ठीक है, जब इतना ही उसके उसके पास पैसा है 5 lakh rupees, तो 50,000 उसमें से दे दे वो. ठीक है, अपने पास रख ले, तुम बोल दो 4.5 लाख बाकी हमको दे दो, बाकी वो रख लो. ठीक है, लेकिन जब दिमाग खराब होता है ना, जब बुद्धि चली जाती है पैसे के लालच में, तो इंसानों कुछ नहीं सोचता है. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, टेल मी गेटिंग इट. ऐसा कुछ भी आया तो बोल दिया कीजिए, तुम उसमें से रख लो जितना रखना है, मुझे उसका आधा भी दे दो, उतना भी नहीं है तो मुझे कुछ 1,000 रुपए ही दे दो, काफी है. ठीक है, सो दिस इज इट. आई एम जस्ट सेइंग दैट मेनी पीपल फॉल प्रे टू दिस टाइप ऑफ ट्रैप्स. आई होप यू एग्री विद मी, टेल मी. तो यही है स्टूडेंट्स, साइबर सिक्योरिटी में साइबर हाइजीन एंड इंडिविजुअल्स का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बता दूँ आप. ठीक है, और यहाँ पे एक होमवर्क आपके लिए मैं दे रहा हूँ, ये होमवर्क ध्यान दीजिएगा. डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये DSCI, इसका रोल क्या है और ये कब फॉर्म हुआ था, देख लीजिएगा एस्टैब्लिशमेंट ईयर. ठीक है, आई रिपीट, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. क्या इतना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी. हम लोगों ने बहुत टॉपिक्स कवर किए, इंडियाज नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, टेक्सटाइल क्लस्टर्स, क्राइसिस इन श्रीलंका नेपाल, इरिडियम फोन्स, थर्मल इमेजर्स, चाइना UAVs, ब्रिक्स समिट, उसके अलावा ये देखिए दिस FIU ED रिटायरमेंट स्प्री. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे. नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेशन में. दिस इज द टेलीग्राम चैनल unacademy_anurag_singh, जुड़ जाइएगा इस सेशन के फ्री PDF के लिए. नमस्कार, आई विल एंड द सेशन. ठीक है, यस यस, मैसेज, फोन, मेल सब आता रहता है. ठीक है, UPSC वालों को स्पेशली आता है, पैसा तो है नहीं हम लोग के पास. ठीक है, चलिए.